गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, आई एम संजय पटेल फ्रॉम यूसुफ क्लासेस। आज इस वीडियो में क्लास 12 का पोएट्री सेक्शन का वाला चैप्टर स्पीचेस लॉ आई डू नॉट गो का ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। तो चले देखते हैं, इसमें सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है जॉन डन वाज बोर्न इन डैश। ठीक है, स्पीचेस लॉ आई डू नॉट गो के लेखक हैं जॉन डन, और कह रहा है कह रहे हैं स्पीचेस लॉ आई डू नॉट गो, इसमें जॉन डन अपने बिलोप के बारे में चर्चा किए हैं। जॉन डन का जन्म 1570 ईस्वी में हुआ था और उनका मृत्यु हुआ था 1631 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, जॉन डन वाज द पायनियर ऑफ अ न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एस्थेटिक वर्स कॉल्ड मेटाफिजिकल, या मेटाफिजिकल होगा आपका। नेक्स्ट, द पोएट इंटेंस टू गो ऑन अ लॉन्गर जर्नी देन डैश अर्थ मून सोन, या सोन की जॉन डन इसमें सोन से तुलना किए हैं, सूर्य से तुलना किए हैं। अगला क्वेश्चन है, मैंस पावर इज डैरी, मैंस पावर इज डैश स्ट्रॉन्ग वीक ऑन नॉन वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, मैंस पावर इज वेरी वीक होता है, मनुष्य का जो मैंस पावर होता है वेरी वीक होता है। अगला क्वेश्चन आपका, होम द पोएट लव सो इंटेंसली डैट ही वॉन्ट्स टू कम बैक सोन हिज सोन हिज डॉटर बिलव्ड अर्थ। जी सोन, जो जॉन डन है, जो जॉन डन सबसे ज़्यादा किससे प्यार करते थे, अपने बिलव्ड प्रेमिका से प्यार करते थे। अगला क्वेश्चन आपका, हु इज द पोएट ऑफ स्वीटेस्ट लव एंड नॉट गो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के लेखक कौन है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के लेखक जॉन डन है, जॉन डन लिखे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। नेक्स्ट, डॉन प्रेजेंट हिमसेल्फ इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इन डैश द फर्स्ट लाइन द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर द फर्स्ट पर्सन प्लुरल नंबर द थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नॉन ऑफ दिस। फिर से क्वेश्चन, डॉन प्रेजेंट हिमसेल्फ इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इन डैश द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। अगला क्वेश्चन है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डैश अ डिडक्टिव पोएम एंड एलोग्रिक पोएम और लव पोएम नॉन ऑफ दिस। ठीक है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को है जो लव पोएम है। नेक्स्ट, डॉन इज वेल नोन फॉर हिज डैश सोन एंड सोनेट एस्टेरिक्स शर्मंस ऑल ऑफ दिस। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ दिस, जॉन डन को सभी के लिए जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इन द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो डाई स्टैंड फॉर डैश, डाई का मतलब क्या होता है। आपको पता था कि जो जॉन डन का लिखने का जो स्टाइल होता था वो अपने अलग अंदाज में लिखते थे, जॉन डन अलग, देखिए यहाँ पर डाई लिखे हैं। इस डाई का मतलब क्या होता है, इस डाई का मतलब मरना होता है, उनका अलग स्टाइल था, अलग अंदाज में लिखते थे वह। नेक्स्ट, स्वीटेस्ट लव आई नॉट गो मे बी कंपेयर्ड विथ शेक्सपियर डैश ऑल द वर्ड्स स्टेज द मैरिज ऑफ द ट्रू माइंड्स ब्लो ब्लो दाउ विंडर वाइंड नॉन ऑफ दिस द मैरिज ऑफ हर ट्रू माइंड्स। नेक्स्ट, हु हैज कंपेयर द पोएम स्वीटेस्ट लव आई नॉट गो, जॉन डन हुआ जी यहाँ पर, हु हैज कंपोस्ट, एक कंपोस्ट का मतलब रचना को होता है, रचना करना होता है, कंपोस्ट मतलब रचना करना होता है। यह जो स्वीटेस्ट लव आई नॉट गो पोएम है या कौन रचना की है, आपको पता है जॉन डन इसका सही आंसर। नेक्स्ट आपका है, जॉन डन वाज द पायनियर ऑफ अ डैश मेटाफिजिकल पोएट। नेक्स्ट, स्वीटेस्ट लव आई नॉट गो इज डैश अ सोनेट एंड ऑड अ लिरिक, अ लिरिक आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वीटेस्ट लव आई नॉट गो हैज बीन एड्रेस टू डैश जॉन्स सिस्टर जॉन्स मदर जॉन्स फ्रेंड जॉन्स वाइफ, जॉन्स की वाइफ के बारे में दर्शाता है, एड्रेस का मतलब संबोधित करता है। नेक्स्ट, द ओकेजन ऑफ द पोएम स्वीटेस्ट लव आई नॉट गो इज जॉन डन डैश कंटिनेंटल ट्रिप स्पेस ट्रॉल वॉयज नॉन ऑफ दिस कंटिनेंट ट्रिप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जॉन डन हैज रिटन द पोएम, जॉन डन कौन से कविता लिखे हैं, स्वीटेस्ट लव आई नॉट गो, देखिए यहाँ पर स्वीटेस्ट लव आई नॉट गो, गो यहाँ पर है, जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, देखिए यहाँ पर गो को किस अंदाज में लिखे हैं, जॉन डन। अगला क्वेश्चन है, द पोएट इन स्वीटेस्ट लव आई नॉट गो इन हिज बिलव्ड ट्रायड ऑफ
एंग्री विथ, सैड फॉर, हैप्पी फॉर या सैड फॉर। ठीक है, जब पोएट स्वीटर लव आइट नॉट गो, जब जॉन डनका जी अपनी प्रेमिका से अलग होकर जा रहे थे तो प्रेमिका थी क्या थी, उदास थी, सैड थे, उनसे उदास थी। देखिए आपको फिर से एक बता देते हैं, क्लास 12 का जो इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है आपके लिए, 40 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम से बिफोर 3 मंथ आएगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और हम उम्मीद के साथ कहते हैं कि टोटल आपका क्वेश्चन से जो 10 नंबर का होता है उसी में से आता है, तो यह 40 ऑब्जेक्टिव या तो ऑब्जेक्टिव आपका हो जाएगा क्लियर इससे। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपलोड करेंगे 40 जो होगा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगा। यदि आप चाहते हैं कि 40 क्वेश्चन को हम लिख लें, नोट करें, याद करें, तो हम चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और उस क्वेश्चन का आने का इंतज़ार करें। कुछ ही समय के बाद या कुछ ही दिनों के बाद उस क्वेश्चन को अपलोड किया जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सामने है, जॉन डन इज गोइंग टू डैश लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड फ्रांस, जर्मन, इटली, इंग्लैंड। देखिए जर्मनी की बात करें, जर्मनी। हालांकि देखिए आप पर क्वेश्चन जो दिया है इसका, जो इसमें ऑब्जेक्टिव जो बनाया है, इस जर्मनी का बात इसमें चैप्टर में कहीं है नहीं, तो जॉन डन का जो डीपली नॉलेज है उसके बारे में बताया गया। नेक्स्ट, जॉन डन थिंक दैट इज सर्टेन, जॉन डन थिंक्स दैट इज सर्टेन, क्या निश्चित है। तो जॉन डन का मानना था कि जो लाइफ होता है, मृत्यु होता है, वह सर्टेन होता है, सबके लिए एक समान होता है। नेक्स्ट, जॉन डन वांट टू गो अवे बिकॉज ही इज नॉट टायर्ड ऑफ हिज डैश। जॉन डन क्या जी दूर जाना चाहते हैं, मतलब इस देश को, दुनिया को देखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो टायर्ड होकर चुके, थक चुके थे अपने मदर से, फादर से, बिलॉप्ड से, सिस्टर से। बिलॉप्ड से जाहिर सी बात है, बिलॉप्ड से बात होगा, जॉन डन बिलॉप्ड के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट, द पोएट जॉन डन इज बेटर देन हिज डैश। अब इसमें चर्चा की, इसमें कंपेयर किससे, सॉन से चर्चा की है, सूरज ने सॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन डन फील्स दैट डैट और डैश इज वेरी होपलेस एनिमल गॉड बर्ड मैन। जॉन डन बता रहे कि जो मनुष्य होता है एकदम होपलेस हो जाता है, एक बार क्या होपलेस हो जाता है, एक बार जो उसका जो भाग साथ देना छोड़ देता है तो वह क्या निराश हो जाता है, सैड हो जाता है, उदास हो जाता है, दूसरा बार अपने भाग को ट्राई नहीं करता, अपने कर्म पर विश्वास जल्दी नहीं करता है, वो भाग के भरोसे बैठा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश हैज़ बीन डिस्क्राइब एज अ मेटाफिजिकल पोएम। जॉन डन डिस्क्राइब किया एक मेटाफिजिकल पोएट के बारे में, जॉन डन। नेक्स्ट, डैश वांट्स टू ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ वाइल टू मैन, जॉन डन, जॉन डन। नेक्स्ट, जॉन डन हैड सीन द सन सिटिंग नाइट टूडे यस्टरडे। यस्टरडे का बात कर रहे हैं, यस्टरडे सूरज क्या जी कल पिछली रात गया था, फिर सुबह आ गया। ही हैज़ नो डिज़ायर नॉर सेंस, आपको मिला होगा, पर अगर आप नेक्स्ट में द सन हैज़ नो डिज़ायर नॉर सेंस, क्वेश्चन है कि हु हैज़ नो डिज़ायर नॉर सेंस, द सन हैज़ नो डिज़ायर नॉर सेंस, सूरज के पास कोई इच्छा नहीं होता है, कोई डिज़ायर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश द पोएट ऑफ स्वीटेस्ट लव आइट नॉट गो वाइल्ड विथ मैन। देखिए स्वीटेस्ट लव आइट नॉट गो के लेखक जॉन डन है। नेक्स्ट है, होम द पोएट लव सो इंटेंसली डैट ही वॉन्ट्स टू कम बैक सून। अपने बिलव्ड के बारे में बात करें, क्वेश्चन को रिपीट किया गया है, बिलव्ड आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन डन वॉज बॉर्न इंडिया, जॉन डन का जन्म 1570 में हुआ था। आपका 30 ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंस आपके एग्जाम के भी उसे, उम्मीद करते हैं आप ऑब्जेक्टिव लिखेंगे। कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट करें, लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इन्फो क्लासेज और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल।